Sarve Visugina Santo, Sarve Santo Niramaya, Sarve Bhadrani Vasyanto, Makachi Dukavagave. मैं करना चाहूँगा जानकीकुंड चिकित्सालय के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कि वो आए देव के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए आप सब जनवा विगत जैसा कि आपको बताया गया विगत 21 वर्षों की डॉक्टर बखारिया जी के द्वारा चलाई गई हुई और शुरुआत की गई इस पोलियो कैंप का हर बार कार्यक्रम हो रहा और इस पोलियो कैंप में अब तक 4,700 मरीजों के ऑपरेशन हो चुके तथा इस साल करीब 69 ऑपरेशन हुए हैं जिसमें से पोलियो ग्रसित करीब 56 लोगों के ऑपरेशन इस बार किए गए। मैं आप सभी से और आप सभी के द्वारा हमारे सभी नागरिकों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं और जितने भी ये बच्चे जिनके बच्चों के पैर जो बच्चे टेढ़े पैरों के साथ पैदा होते हैं तो उन बच्चों को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को या नज़दीकी किसी डॉक्टर को या अस्पताल में जरूर दिखा। धन्यवाद। और जिनके विशेष सहयोग से ये कैंप आयोजित हो पाया है और आज जो कैलिपर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना है ऐसे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के सदस्यों को भी हम सदगुरु परिवार की ओर से यहाँ सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जानकीकुंड चिकित्सालय के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर राजपूत सर से कि वे आए और कोटा से पधारे हुए श्री देवकी नंदन जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पर सम्मान करें। जोरदार कर्तव्यों से अभिवादन करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी आएं और कोटा से पधारे श्री केशव सोनी जी का अपने कर कमलों से पुष्पगुच्छ अर्पित करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में हम अनुरोध करते हैं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक श्री चौहान जी से कि वे आएं और श्री जगनलाल जी जो हमारे मध्य कोटा से पधारे हैं उनका भी साथ में वरिष्ठ प्रबंधक श्री देवेंद्र सचान जी वे श्री जगनलाल जी का पुष्पगुच्छ एवं चिन्ह प्रदान करें उनका स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम के बाद इस विस्तृत कार्यक्रम में हम अनुरोध करते हैं जानकीकुंड चिकित्सालय के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर राजपूत सर से कि वे भी आएँ और सुशब से सभी को उद्बोधित करें। परम पूज्य सदगुरु को प्रणाम करते हुए सदगुरु परिवार के सभी सदस्य भगवान महावीर विकलांग समिति कोटा के श्री देवकीनंदन जी और उनकी टीम सभी अभिभावकगण और प्यारे प्यारे बच्चों पिछले 30 सालों से आपने हमें जो एक जिम्मेदारी सौंपी है इस ट्रस्ट को कि हम उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं और समाज पर निर्भर रहते हैं हम उनको इस काबिल बनाएं कि वो समाज के बाकी लोगों जैसे ही सक्षम हो और अपने पांव पे खड़े हो। इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। मैं इसमें विशेषकर भगवान महावीर विकलांग समिति
इस कार्यक्रम को इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं कैलिपर्स डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। तो मैं अनुरोध करता हूँ समिति के सदस्यों से कि वे एक करके यहाँ पर दुख सुख दोनों कुछ पल के कब आए कब जाए, दुख है ढलते सूरज जैसा शाम ढले ढल जाए, दुख सुख दोनों कुछ पल के कब आए कब जाए, दुख है ढलते सूरज जैसा शाम ढले ढल जाए, हो शाम ढले ढल जाए। इकतीस साल से ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ये बहुत पुनीता कार्य है, इसमें आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप सब लोग गांव में गांव रह करके गांव वालों को आप लोग ये आराम से बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। हमें विश्वास है आप लोग भी इस कार्य में आप लोग मदद कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों ने इस संस्था को ये सेवा कार्य करने का अवसर प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। लोगों का बहुत बहुत आदि।